हे गाइस, वेलकम टू स्टे फिट इन लाइफ। आप लोग होपफुली मेरा वीडियो देख रहे होंगे, पहले वाले वीडियोस देखे होंगे। आज मेरा बैक और बाइसेप्स का वर्कआउट है, बट मैं आपको उसमें से कुछ पोर्शन दिखाऊंगा जो आप भी अपने घर पे कर सकते हो, एक या दो पेयर डंबल लेके, जिसमें लाइट वेट डंबल भी ले लोगे तो भी चलेगा। तो उससे आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो जाएगी तकरीबन 20-25 मिनट की। तो अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अपने रूटीन में डाल लेते हो, जैसे पीछे मैंने आपको जंप रोप दिखाया था, कार्डियो दिखाया था, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी ऐड कर लेते हो, तो आपको वेट लॉस में, फैट लॉस में बहुत, और स्ट्रेंथ बिल्ड करने में बहुत डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। तो आप इसको देखो और अपने यहाँ भी ट्राई करो। ये मैंने 5-5 किलो के डंबल लिए हुए हैं, आप लोग 2.5 किलो के भी ले सकते हो। तो इससे हम लोग पहला सेट लगा रहे हैं डंबल से। हल्की सी आपको कमर की आर्क बना के बेंड करके डंबल को आगे रख के इस तरीके से रोइंग करनी है। इसके आप 12 से 15 रैप निकाल सकते हैं। और ये पहली एक्सरसाइज हो गई। इसके बाद इसके आप 3 सेट लगा सकते हैं 10 से 12 रैप के। सेकेंड एक्सरसाइज है बैक की। इसमें हम बेंच के साथ सिंगल हैंड रोइंग करेंगे। बारह रैप ईच साइड। ये लाइट वेट से पहला सेट कर रहे हैं। बैक एकदम टाइट रहनी चाहिए आर्क बना के। वेट हैवी ना लगा के, लाइट वेट लगा के अगर हम लोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से होगा, क्योंकि जो लोग वर्कआउट करने के हैबिचुअल नहीं है उनको लाइट वेट से करना चाहिए। तो आप लोग लाइट वेट से शुरू करो और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप वेट ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये थी सेकंड एक्सरसाइज, सिंगल हैंड रोइंग। थर्ड एक्सरसाइज हम करेंगे डेड लिफ्ट विद डंबल्स। इसमें हमारी लोअर बैक की एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो अभी लाइट वेट से करते हैं। इसमें नी बेंड रखेंगे,
मूवमेंट स्लो करनी है ताकि बैक में कोई इंजरी ना आए। तो ये तीन एक्सरसाइजेज हैं बैक की जो आप कर सकते हैं अपने घर पे। अगर आप एक दो पेयर डंबल के ले लेते हैं तो इससे अच्छा स्ट्रेंथ वर्कआउट आप लोगों का हो जाएगा। बाइसेप्स की फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें इसको डंबल बाइसेप कर्ल बोलते हैं। इसमें आपने 2.5 किलो या 5 किलो का जिसकी जितनी स्ट्रेंथ है, पहले तो स्टार्टिंग में 2.5 से ही लगाएं। इसमें आपने ट्राई करना है ईच साइड आपके 12-12 रैप निकले। हमारा टारगेट है अपने आप को फिट एंड हेल्दी रखना, ना कि बड़े बड़े डोले बनाना या बड़ा बड़ा अपना मसल साइज़ इंक्रीज करना। सो उसके हिसाब से अगर हम लाइट वेट भी करते रहेंगे तो भी हम हेल्दी एंड फिट रहेंगे। लास्ट एक्सरसाइज हम लोग कर सकते हैं फोर आर्म के लिए, जिसमें आपको डंबल्स को रोटेट करना है इस तरीके से। इसको बोलते हैं ट्विस्टिंग फोर आर्म के लिए। तो तीन देखी हमने बैक की एक्सरसाइजेस की वेरिएशंस बहुत सारी होती हैं, बट अगर हम ये भी करते रहेंगे तो हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। इसमें तकरीबन 50-100 ट्विस्टिंग हम लोग कर सकते हैं। आफ्टर 40 हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फिट रहने की, वरना डॉक्टर्स के भरोसे और दवाइयों के भरोसे रहना पड़ेगा। इसलिए होप है कि आप लोग भी स्टार्ट करेंगे वर्कआउट और फॉलो और सब्सक्राइब करें मेरे को चैनल को, और कुछ ना कुछ नया मैं आपको कंटेंट अपनी तरफ से दिखाता रहूँगा। मेरा फोकस बिल्कुल आप लोगों को बेसिक एक्सरसाइज बताने का है, कोई हैवी वर्कआउट नहीं कुछ नहीं, ताकि आप लोग इजीली अपने घर पे 20-25 मिनट 15 मिनट लगा के कर सकें। थैंक यू गाइस, स्टे फिट इन लाइफ।